हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति झा और इंडियन फूड विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप, वो भी घर में। और सर्दियाँ आ चुकी है तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन भी जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इंडियन फूड विद ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने टोमेटो सूप बनाने के लिए 6 टमाटर को कट करके लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें हम 1 चम्मच बटर डालेंगे। इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब हमने अदरक लहसुन का क्रश किया हुआ पेस्ट लिया है 1 चम्मच। आप चाहे तो इसमें चॉप्ड अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए, कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, गलने में आसानी होती है इससे। और इसे देखिए, हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो धीरे धीरे ये गलने लगा है। अब हम इसमें 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। नमक डालने से बहुत जल्दी गलने लग जाता है टमाटर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत गल चुका है और बहुत ही अच्छा सूप बनता है। हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो इसीलिए हम इस तरीके से ही बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस डालने से क्या होता है कि इसका फ्लेवर जो है ना, वो बहुत अच्छा आता है, थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल का आता है, खट्टा मीठा सा। तो ये हम 2 चम्मच डाल देंगे। और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 250 ml पानी डाल दिए और 250 ml पानी डाले, यानी कि 500 ml हमने पानी का यूज़ किया है इसमें। और इसे मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डाला है और 1/2 चम्मच हमने इसमें ब्लैक पेपर यानी कि मरीच पाउडर डाला है और इसे हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिया है फूड कलर, जो कि केसर येलो कलर का फूड कलर है और केसर रेड कलर का भी फूड कलर होता है। तो ये वाला जो है ना कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप कलर के लिए ये दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं कलर, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए, अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। इससे जो होता है ना, चीनी डालने से खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये पक चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और उसमें हम सारे जो हमने बनाया है सूप, उसे छान लेंगे। और ये देखिए, मैंने 1 चम्मच की हेल्प से इसे अच्छी तरह से दबा के इसे अच्छी तरह से इसका पूरा पानी जो है पल्प, वो निकाल लिया है। आप इसे चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, ग्राइंड करके आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से पूरा मैश करके पूरा पल्प निकाल लेंगे इसका।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा पल्प निकाल लिया है हमने और ये जो है ये टमाटर के छिलके बच चुके हैं तो इसे मैं फेंक दूंगी। अब ये देखिए इस तरह से सूप निकल चुका है, अभी हमारा काम बाकी है। अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी वापस और इसे फिर से खौलाऊंगी। अब ये देखिए मैंने विकफील्ड का एक कॉर्नफ्लोर लिया है, जो कि मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप आरा रोट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसे मिक्स कर लूंगी। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो ये देखिए मैं इसमें 2-3 चम्मच करके कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डालना है सारा। अब इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। फिर दोबारा मैं 2 चम्मच और डालती हूँ। अब ये मैंने सारा डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि ये जो सूप जो बनता है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है कॉर्नफ्लोर डालने से। आप आरा रोट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है। अगर आप थिकनेस, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा पतला पीना चाहते हैं, तो आप थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है, तो इस तरह की ही मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरह से ही बनाना है। अगर आप इसे पतला बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह से बनाएं। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, ये तो पहले से ही पक चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो आप इसे ज़रूर इस बार सर्दी में बना के पिए, रोज़ पिए, बहुत ही अच्छी लगती है, फटाफट बन भी जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप मेरे इंडियन फूड विद ज्योति को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कुकिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो आप लोग इसे सर्व कीजिए, इन्जॉय कीजिए और कैसे बने हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।